बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हार्वर्ड एकेडमी। सबसे पहले तो अगेन कांग्रेचुलेशन जिन्होंने टेस्ट पास किया। कुछ लोगों के कमेंट्स थे जिन पे काफ़ी सारे सवाल आप पूछ रहे थे, उनके बारे में जवाब देना ज़रूरी है। सबसे पहले तो आप लोगों का एक जो सवाल है ज़्यादातर वो ये है कि जिन लोगों ने अर्लियर डॉक्यूमेंट्स भेज दिए हैं उनको क्या करना है अब इस रिज़ल्ट के बाद। तो डॉक्यूमेंट्स एक ही दफ़ा भेजने हैं, बार बार डॉक्यूमेंट्स नहीं भेजने। इस केस के अगेन जैसा कि पहले भी आपको गाइड करते रहते कि FPSC ने ज़्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होने एस्पिरेंट्स होने की वजह से ग्रेजुअली पहले ही एक महीना जो बायोडाटा फॉर्म है वो डिस्पैच करना शुरू कर दिए थे ताकि सबको मिल जाएँ। और जो आप लोग डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो भेजते रहें और वो अपने पास कंपाइल करते रहें। अल्टीमेटली जो लास्ट डेट है वो 28 अगस्त 2020 की लास्ट डेट दी है, यानी कि जिन्होंने पहले डॉक्यूमेंट्स अभी तक नहीं भेजे वो अब भेज देंगे। दूसरे नंबर पे क्वेश्चन ये था कि किसी की DMC नहीं है, किसी की मार्कशीट नहीं है, किसी की तस्वीरों का कोई इशू है, तो कोशिश करें कि जो आपके डेफिशिएंट डॉक्यूमेंट्स थे उनकी दोबारा से आप वो जो डेफिशिएंट डॉक्यूमेंट हैं उसको एनवलप नया बनाएं और उसी एड्रेस पे भेज दें और अपना रोल नंबर और केस नंबर दोबारा वही मेंशन कर दें और दरमियान में एक लेटर लिख दें कि जो पहले आपने चीज़ भेजी थी उसमें अगर कोई आपको डिग्री नहीं मिली थी या मार्कशीट आपकी डेफिशिएंट थी तो जिस भी वजह से आपकी जो डेफिशिएंसी थी तो उसकी क्लैरिफिकेशन दे के तो उनको भेज दें। तो लिख दें कि ये इस वजह से आप लेट हुए और ये केस आपके साथ के अटैच कर दी जाए। तीसरे नंबर पे आपके जो ज़्यादातर सवाल आ रहे थे कि किसी का रोल नंबर नहीं है, किसी को पता नहीं है और वो किस तरीके से आइडेंटिफाई करे कि उसका नाम है या नहीं है। तो जिन लोगों को बायोडाटा फॉर्म मिल चुके हैं उनका तो रोल नंबर ऊपर मेंशन होगा, उनकी भी बात ख़त्म। जिन लोगों का बायोडाटा फॉर्म नहीं मिला और ये वेबसाइट पर रिज़ल्ट अपलोड होने के बाद भी आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो फिर आप जो है क्या कर सकते हैं कि आपको मैं नीचे एक लिंक शेयर कर दूंगा एक ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप जो हमारा सीनियर ऑडिटर के लिए, उसमें जाएं और मैं उसको लिंक कर दूंगा। उस पर आप क्लिक करेंगे तो CNIC डालेंगे तो इंशाल्लाह आपका रोल नंबर आ जाएगा, उससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये आपका जो है वो रोल नंबर है, उससे आप अपनी लिस्ट में देख सकते हैं कि रिज़ल्ट जो है। इसके बाद चौथे नंबर पर था कि कुछ लोगों के सवाल थे के प्रिपरेशन, तो वो इंटरव्यू की प्रिपरेशन हम ऑनलाइन प्रोवाइड करेंगे। जो हमारे स्पेशली स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पहले सीनियर ऑडिटर की तैयारी की थी और जो अदरवाइज़ भी जिन्होंने हमारे यूट्यूब पे लेक्चर लिए थे और वो सेटिस्फाई हैं कि ऑनलाइन बैठे घर वो अपनी तैयारी कर सकते हैं, तो इसी तरीके से इंटरव्यू की भी तैयारी हम करवाएंगे और उसका प्रोसीजर भी इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा। अदरवाइज़ आप जो है व्हाट्सएप से हमें पूछ सकते हैं जो भी आपका मज़ीद कोई सवाल हो। तो ये था एक लेटेस्ट अपडेट से मुझे एक लिंक मिला था जिससे आप अपना रोल नंबर आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो वो आपसे शेयर कर रहा हूँ ताकि आपको जो प्रॉब्लम जिन लोगों को आ रही है वो उनको कम से कम आए वो अपना रिज़ल्ट देख सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह।